अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्केचअप के ऑफसेट टूल के बारे में पढ़ेंगे और ऑफसेट टूल के जरिए हम इसकी आउटलाइन जो है वो ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये मॉडल है, हमारे पास ये 3D मॉडल है एक घर का बना हुआ, और हमारे पास दो विंडोज हैं और एक हमारे पास डोर है। हम चाह रहे हैं कि इस डोर जो है, इस विंडो जो है, इसका हम ऑफसेट क्रिएट करें और इसको एक विंडो की शेप दे दें। तो शेप देने के लिए हमारे पास ऑफसेट पे जाने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि हम टूल्स में आए और ये हमारे पास ऑफसेट है, इसकी शॉर्टकट कमांड हमारे पास F है, और दूसरा ये है कि हम इसको सिंपल यहाँ से ऑफसेट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑफसेट आ गया। अब ये वाला फेस जो है विंडो का, ये सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट करके इसका इनर ऑफसेट भी ले सकते हैं और आउटर भी ले सकते हैं। तो हम इसका आउटर ऑफसेट ले लेते हैं, और हमारे पास अब हम पुशूल पे आ जाते हैं। तो हम इसको इतना काफी रहेगा मेरे ख्याल, या हम इसको कर देते हैं 12 इंच कर देते हैं, 12 इंच। ये 12 इंच काफी ज्यादा है, बट हम इसको 6 कर देते हैं, 6 इंच। ये हमारे पास एक विंडो की शेप आ गई। और सेम हम इसके साथ भी ये कर लेते हैं, ऑफसेट लिया, ऑफसेट हमने सेम ले लिया वैसा, और यहां पर भी डबल क्लिक किया तो जितना ऑफसेट हमारे इस विंडो का था उतना ऑफसेट इसका आ गया। तो सेम अब हम इसको भी लेते हैं, अब हम यहाँ पर भी इसको डबल क्लिक किया तो 6 इंच 6 इंच और 6 इंच, इन सब का ये हमारे पास एक मॉडल बन गया। हमारे पास विंडोज भी बन गई और हमारे पास डोर भी बन गया। तो ऑफसेट टूल जो है, ऑफसेट टूल के जरिए से आप कोई भी 3D मॉडल, उसका सिंपल इनर या आउटर एक ऑफसेट ले, और उसको हमने क्या किया, उसको हमने एक्सट्रूड कर दिया, उसको हमने पुश किया, पुश टूल के जरिए से उसकी हमने एक शेप बना दिया। तो बहुत ही सिंपल है, ये था स्केचअप का ऑफसेट टूल। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।